हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लारावेल 6.0 हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हम एपीआई के लिए ऑथेंटिकेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं विद द पासपोर्ट। सबसे पहले ये आता है कि एपीआई ऑथेंटिकेशन होता क्या है और क्यों जरूरी होता है। एपीआई क्या होती है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, एक सिंपल मैंने बनाई थी, ठीक है। ऑथेंटिकेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप कोई भी यूज़र आता है तो हमें पता पता होना चाहिए कि जो यूज़र एपीआई को एक्सेस कर रहा है वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है। जैसे कि नॉर्मल वेब पेज के अंदर आप साइन इन करते हो तो सेशन बन जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर सेशन नहीं बन सकता एपीआई के अंदर क्योंकि एपीआई स्टेटलेस होती है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके टोकन जनरेट करते हैं। तो टोकन कैसे जनरेट होता है, जब हम एक कोई भी एपीआई हिट करते हैं लॉगिन की, तो इस तरीके से हमारा एक टोकन जनरेट होता है और ये वाला टोकन हम आगे वाली एपीआई के अंदर पास कर देते हैं। जैसे कि ये अभी पोस्टमैन खुला हुआ है, ठीक है, तो हमने ऑथराइजेशन ऐसे पास कर दिया अभी रीड करके, तो फिर हमें कोई भी एपीआई एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टोकन पास नहीं करेंगे तो ये वाला एरर देगा, ठीक है। तो ये हम लास्ट की वीडियो में अचीव करने वाले हैं। हम ये आपको करके भी दिखाऊंगा कि हम कैसे टोकन क्रिएट करेंगे और बाद में कैसे हम उससे यूजर की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे भी, ठीक है, और आगे वाली एपीआई कैसे को ऑथराइज कर सकते हैं वो भी हम सब देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अभी हम कर कैसे सकते हैं। एक लारावेल का पैकेज होता है पासपोर्ट करके, लारावेल पासपोर्ट इसका ऑथराइज है और ये आप देख सकते हो कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, ठीक है, इसके साथ में यूज़ करते हैं। और ये अगर आप देख सकते हो कि एपीआई की ओथ वगैरह के लिए यूज़ होता है, आप चाहो तो पढ़ना चाहते हो तो ये सब देख सकते हो। ये तो हो गया ये वाला। अब जब हम इसको यूज़ करते हैं तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, आपने ये देख सकते हो कि बहुत सारे चेंजेस। तो उसके लिए मैंने ना एक गिट के ऊपर एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप से एक रिपोजिटरी बना दिया और आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करके चलाओगे ना तो भी चलेगी, बट इसके अंदर मैं आपको एक एक स्टेप यूज़ करके बताऊँ कि आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मैं कोड बेसिकली यहीं से उठाऊंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से कोड नहीं उठाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा पेस्ट करने के लिए और हो सकता है कि मैं कुछ कोड भूल भी जाऊंगा कि बहुत ज़्यादा कोड है, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा क्या, ये मेरा अभी फ्रेश पैकेज है, जस्ट मैंने भी लारावेल डाउनलोड इंस्टॉल ही किया है, ये लारावेल 6.0 है, ठीक है। तो इसके अंदर देख सकते हो आप कि ये इसका स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, अगर आपको नहीं पता तो मैंने डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट बनाई हुई है, एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ओपन करता हूँ डॉट env फाइल। इसके अंदर आप तीन चीज़ें सेट कर लीजिएगा क्योंकि डाटाबेस की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। डाटाबेस का नाम यूट्यूब है, मेरे डाटाबेस का नाम, मैं php में एडमिन यहाँ पर खोल भी लेता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ डाटा है, मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ कम्प्लीटली और इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि हम दोबारा से स्टार्ट कर सकें। सो अभी के लिए मैं एक डाटाबेस बनाता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब नाम से बना लेता हूँ मैं सेम, ठीक है। इसके अंदर टेबल वेबल कुछ है नहीं, वो हम बनाएंगे बाद में। तो आपको यहाँ पे इसका नाम देना है, डाटाबेस का नाम देना है यूट्यूब, और यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे केस में redhat@123, आपके केस में ब्लैंक भी हो सकता है और हो सकता है कुछ और भी हो, तो उसके इसके हिसाब से आप कॉन्फिगर कर लेना। ये हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, जहाँ से हम लारावेल पासपोर्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं ये कमांड लिख के डायरेक्टली चलाता हूँ बस, ठीक है, और ये 2-4 मिनट लेगी, तो मैं टाइम सेव करने के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और जैसे इंस्टॉल हो जाएंगे मैं वापस आऊँगा और ये वाले स्टेप्स पूरे करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस पैकेज का, आप चाहो तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर यहाँ जाओगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्यों और क्या चीज़ यूज़ करनी है और उसका क्या बेनिफिट्स होगा। ये इंस्टॉल हो गया। अब हमारा क्या सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हमें जाना है config.app.php के अंदर। तो आपको config के अंदर app.php ओपन करनी है और यहाँ पे आपको एक नया पैकेज होगा, वो यहाँ पे डाल देना है जो हमने अभी अभी इंस्टॉल करा है। तो हमने अभी क्या इंस्टॉल करा है, पासपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर इंस्टॉल करा है। तो हम यहाँ पे जस्ट उठाएंगे इसको, इस पैकेज को हम यहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, थर्ड स्टेप हमें रहेगी माइग्रेशन करनी है और जो हमारा पासवर्ड था उसको इंस्टॉल करना है। माइग्रेशन के लिए मैं कमांड चला देता हूं यहां पे php partition migration, और जैसे ही माइग्रेशन चलेगी आप देख सकते हो कि डेटाबेस के अंदर हमारी कुछ टेबल्स भी आ जाएंगी, ठीक है। सो इट्स डन, देन लेट्स सी हियर। तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमारी नोटेबल आ गए हैं यहां पे। अब हमें यह करना पड़ेगा, आपको एक पासपोर्ट का पासपोर्ट इंस्टॉल करना है, जैसे कमांड चलाने, इसके कमांड चलाने के बाद कुछ नहीं करना आपको, ये अपने आप जिसको जिसको करना होगा की सीक्रेट की बनानी होगी वो बना देते हैं। अब ये बनाने के बाद में आपको जाना है app.user.php के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप जाना
ऐप फोल्डर के अंदर, और ऐप के अंदर आपको HTTP के अंदर जाना पड़ेगा एक्चुअली, HTTP के अंदर यूजर्स पे लिखना, और आपको ना यहाँ पे एक पैकेज डालना है, सिंपल पैकेज डालना है, ये था हैश टोकन। ठीक है, आपने हैश टोकन डाला और उसके बाद में आपको हैश टोकन को जस्ट यूज करना है, और जस्ट यूज इट लाइक दिस, परफेक्ट। ये करने के बाद आपको इस पैकेज में, इस कोड में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ये जो जैसा का है वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, ओके, अब आपको जाना है ओथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। ये आपको कहाँ मिलेगा, ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर, ऐप पे जाना आप, इसके अंदर प्रोवाइडर्स मिलेंगे, और ये मिलेगा आपको ओथ सर्विस प्रोवाइडर। इसके अंदर आपको तीन चीज़ें करनी है, सबसे पहले आपको पासपोर्ट का जो पैकेज होगा वो इसके अंदर डालना है, परफेक्ट। उसके बाद आपको एक यहाँ पे लाइन होगा, ये आपको अनकमेंट करनी है, देन आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट के लिए राउट बनाना है, पासपोर्ट राउट्स, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब आता है हमारा स्टेप फोर, ये है हमारा कॉन्फिग के अंदर ऑथ डॉट पी एच पी। आपको अब यहाँ पे जाना पड़ेगा, कॉन्फिग फोल्डर में जाना, यहाँ पे होगा आपको ऑथ डॉट पी एच पी, आपको ये वाला मिलेगा। यहाँ पे आपको दो चेंज करने हैं, एक तो यहाँ पे आपको करना है कि जो ड्राइवर है वो चेंज करना है, और हैश की है उसको फॉल्स को हटा देना है। तो मैं अभी के लिए पूरा पूरा उठा लेता हूँ, ये ऐसे का सब आप मैच कर सकते हो, और कोई चेंज है नहीं इसके अंदर। ठीक है, जस्ट रिप्लेस इट, परफेक्ट। अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको एपीआई के लिए राउट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, उससे पहले आप एक बार इसको रन करके देख लीजिएगा, रिलोड करके, अगर ये चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं नहीं चल रहा तो इसमें कुछ ना कुछ आपने स्टेप मिस कर दिया है, ये परफेक्टली रन कर रहा है, दैट्स ओके। अब आपको क्या करना है, कुछ राउट्स क्रिएट करने हैं। राउट्स क्रिएट करने के लिए मैं जैसे इसको ऐसा वैसा उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, ओके, और उठा के मैं यहाँ पे राउट्स वाले फोल्डर में जाऊँगा अभी, और यहाँ पे आपको वेब डॉट पी एच पी नहीं जाना, आपको जाना है एपीआई डॉट पी एच पी के अंदर। ये कुछ कोड होगा, इसको आप कमेंट कर सकते हो अभी के लिए, चाहो तो रख भी सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, और इसको पेस्ट कर दीजिएगा। अब इसके अंदर आपको तीन राउट्स दिख रहे हैं, एक तो लॉगिन के लिए है, एक रजिस्ट्रेशन के लिए है, और एक डिटेल के लिए। डिटेल होगा ना वो मिडलवेयर के अंदर आएगा, ओथ के अंदर। मिडलवेयर क्या होता है ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, एक लास्ट वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये ग्रुप मिडलवेयर है एक्चुअली, परफेक्ट, ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंट्रोलर क्रिएट करने हैं, ये आपका लास्ट स्टेप है क्रिएट करने का, और उसके बाद मैं आपको इस तरीके से ये पे हिट करके दिखाऊंगा। ये क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जैसा कि हमारा ये वाला पाथ है ना एपीआई के अंदर यूजर कंट्रोलर, मैं यहीं पे रख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं कंट्रोलर बना देता हूँ यूजर कंट्रोलर के नाम से, तो अब लिखता हूँ पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और हिट करता हूँ। अभी आपका कंट्रोलर बन गया होगा, देखते हैं हम ऐप के अंदर जाके, रिफ्रेश करने के बाद ऐप के अंदर जाके एचटीटीपी में जाके, और एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, हाँ जाकर यूजर कंट्रोलर बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ उसके अंदर, ताकि ना हमारी एपीआई पूरी पूरी अलग से दिखें कि हमारा एपीआई का अलग से फोल्डर है, इसके अंदर मैं रख लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो एपीआई के राउट्स हमारे यहाँ हो गए, कंट्रोलर अगर कुछ अलग से कंट्रोलर है तो हमारे अलग से बन गए। ठीक है, परफेक्ट, ये हमारा कंट्रोलर बन गया। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, ये जैसे ही आपका बना है तो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ से पैकेजेस हैं वो आप डाल सकते हो यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो आप इसको जस्ट कॉपी कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर लीजिए ऊपर। ठीक है, आप कंट्रोलर का नेम स्पेस भी चेंज कर लेगा, अभी एपीआई के अंदर आ गया है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्लास के अंदर जाके स्टेटस बता देना 200 करके, ये जरूरी नहीं है बट फॉर स्टैंडर्ड पर्पस यू कैन डू दैट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक फंक्शन उठाना है रजिस्ट्रेशन वाला। सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन ही उठाऊंगा, और कोई फंक्शन उठाऊंगा नहीं। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन डाल दिया। अब आप देखोगे इसके अंदर ना कुछ फील्ड्स हैं, जो वैलिडेटर भी लगा हुआ है यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता कि वैलिडेशन क्या होती है तो आप देख सकते हो, अगर चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी है नहीं। ठीक है, बट आपको जो क्या कहते हैं कंफर्मेशन होगी वो कंप्लीट देनी पड़ेगी। ठीक है, जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं उसके अंदर, आपको पासवर्ड और क्या कहते हैं
ईमेल एड्रेस और नेम, ये आपको तीनों चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ पोस्टमैन के ऊपर, और पोस्टमैन के ऊपर जाके मैं एक नया यहाँ पे राउट क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले पोस्ट टाइप का होगा, पोस्ट टाइप का क्यों होगा, क्योंकि जब हमने राउट बनाया था तो वो पोस्ट टाइप का था रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट लिखूंगा, और यूआरएल क्या रहेगा मेरा, यूआरएल अब मेरा रहेगा सिंपली ये वाला एपीआई, इसके आगे आप जरूर लगा देना, क्यों, क्योंकि एपीआई वाली फाइल के अंदर है, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ से आ गया, परफेक्ट। जब मैं इसको स्टार्टिंग में हिट करने की कोशिश करता हूँ तो ये क्या बताता है कि फील्ड्स के नेम जरूरी हैं, हमें क्या क्या फील्ड्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे बॉडी में जाता हूँ, पे फॉर्म डेटा के अंदर एक एक फील्ड लेना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं नेम ले लेता हूँ, ठीक है, नेम के अंदर मैं एंटर कर देता हूँ लेट से ब्रूस, और सेकेंड होगा मेरा ई मेल एड्रेस, और ई मेल एड्रेस भी मैं कुछ ऐसे डाल देता हूँ bruce@test.com, और पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड लेट से मेरा है bruce@b@123, परफेक्ट। और अब है कंफर्म पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ c_confirm, और ये होगा मेरा पासवर्ड। इसके लिए सेम पासवर्ड इसमें भी यूज होगा क्योंकि कंफर्मेशन के लिए। अब मैं हिट करता हूँ, जैसे मैंने हिट करा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा टोकन क्रिएट हो गया है, और ये जो एंट्री होगी ना, ये एंट्री भी क्रिएट हो चुकी है यहाँ, अगर आप देख सकते हो तो डेटाबेस के अंदर, परफेक्ट। अब ये हो गया, अब हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ये पहले वाला राउट बना हुआ था, इसको मैं हटा के मैं दूसरा राउट बनाऊंगा अलग से, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ डिटेल्स, ये डिटेल है, डिटेल्स है, देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे डिटेल्स राउट है, ठीक है, डिटेल सीख दिया। और ये भी किस तरीके का राउट है, ये भी पोस्ट है, तो ये मैं यहाँ पे भी पोस्ट कर देता हूँ। और अब इसके अंदर मुझे दो चीज़ें सेंड करनी है, एक एक तो मुझे सॉरी एक चीज़ सेंड करनी है ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे लिखना है मुझे बियरर, और बियरर के अंदर मैं ये जस्ट टोकन उठाऊंगा, इतना सा टोकन उठाऊंगा, और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, सिंपली पेस्ट कर दूंगा, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये टोकन अब हम हर बार को पेस्ट तो नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, लेट मी चेक। हाँ, एक्चुअली इसका ना हमने कोड ही नहीं लिखा हुआ है, तो इसके कोड के लिए मैं क्या करता हूँ, हमने डिटेल वाला राउटर कॉल करा है, तो डिटेल वाले के लिए मैं जाके यहाँ पे डिटेल वाला कोड यहाँ से उठाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा सिंपली, यूजर कंट्रोलर में गया और रजिस्ट्रेशन के बाद में मैं यहाँ पे एक एक और फंक्शन ये जो था मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं इसको हिट करके, हाँ एक्चुअली अब एक चीज और करनी है हमें, सबसे पहले आपको जैसे मैंने अभी अभी बताया कि ये वाली फंक्शन आपने पेस्ट कर दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला फंक्शन पेस्ट करने के बाद में आपको एक क्लास और ऐड करनी होती है इसके अंदर एक्चुअली, ठीक है। उस क्लास का नाम आपको मैं बताता हूँ, आपको ये सिंपली लिखना है, आप चाहो तो इस वाली क्लास को यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यूज एलुमिनेट, आप देखना है सपोर्ट, और सपोर्ट के बाद लिखना है पैकेट, यस सपोर्ट के बाद में पैकेट, और पैकेट के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है ऑथ, ठीक है। एंड लेट्स ट्राई वंस अगेन, यहाँ से फिर से ट्राई करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इसने हमें डाटा था, वो डाटा पूरा पूरा हमें डाटा दे दिया है, ठीक है। ये तो हो गया, अब हम लॉगिन का भी देख लेते हैं। लॉगिन के लिए भी मैंने सेम कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ये पहले ही बनाया था, ठीक है। तो मैं सेम कोड यहाँ से लॉगिन के लिए भी उठा लेता हूँ, और फिर हम लॉगिन करके भी देखेंगे। अब तक तो मैंने रजिस्ट्रेशन करके देखा है, ठीक है, इसी तरह से रजिस्ट्रेशन करके देखा था, अब इससे यूजर से लॉगिन भी करके देखेंगे। सो सेम आपको उसी कंट्रोलर के अंदर आना है, और यहाँ पे आप ये वाला फंक्शन पेस्ट कर देना, कमेंट में यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला फंक्शन पेस्ट हो गया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोस्ट, और उसके बाद में मैं लॉगिन लिखता हूँ, ठीक है। लॉगिन वाला मेरा कंट्रोलर आ गया यहाँ पे, और लॉगिन के अंदर में क्या क्या चीज़ें भेजनी होती हैं, सिंपल है, हमें एक तो ईमेल भेजना होता है,
ईमेल का नाम क्या था हमारा, डेटाबेस से चेक करेंगे हम, अगर आप भूल जाते हो तो, ये था ठीक है, प्रूव्स एट द रेट टेस्ट, और पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर मैं यहाँ पे भेजता हूँ b@123, आई थिंक चेक करता हूँ मैं क्या था, हाँ b@123 ही भेजा था हमने। सो अब ये भी मैं भेज देता हूँ यहाँ पे b@123, और अभी करते हैं, और आप देख सकते हो कि लॉगिन के लिए भी सही से काम कर रहा है, ये वाला टोकन आ गया है ठीक है। और अब जितनी बार भी इसको हिट करोगे हर बार एक नया टोकन जनरेट होगा, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि टोकन हर बार नया ही जनरेट होना चाहिए। अगर आप पुराने टोकन लॉगिन के टाइम पे यूज करोगे तो फिर ऐसे तो कोई भी यूज कर लेगा पुराने टोकन को ठीक है। तो ये आया कैसे आपके पास, ये फ्रंट एंड जो एंगुलर में काम कर रहे हैं, व्यू में काम कर रहे हैं, रिएक्ट में काम कर रहे हैं, वो टोकन अपने आप आपको भेजेंगे और इस तरीके से काम करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हो इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में, और इस जो ये लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कोड, आप यहाँ से उठा ही सकते हो। कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ओपिनियन है तो आप वो भी कमेंट में कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।